Students, welcome to my channel, ECH Education. Today I am going to explain Class 4 EVS Chapter 9 Beaks, Claws, and Nest. Let's start. वी नो देट बर्ड आर डिफरेंट फ्राम अदर एनीमल्स हम जानते हैं कि बर्ड दूसरे एनिमल से डिफरेंट हैं लेकिन फ्लाई दे हैव स्मॉल बॉडीज कवर्डेड विथ फैदर्स एंड विंग्स दैट हेल्प दैम फ्लाई वो उड़ सकती हैं उनके पास फैदर्स होते हैं विंग्स होते हैं जिसकी हेल्प से वो उड़ती हैं दे हैव बीक्स एंड क्लॉज एज वेल और उनके पास चोच रहती है पंजे रहते हैं देट इज़ फाइन आउट मोर अबाउट बीक्स एंड क्लॉज ऑफ बर्ड्स चलो हम कुछ और इन्फॉर्मेशन ढूंढते हैं उनकी चोच उनके पंजों के बारे में ओके सो टॉपिक बीक्स ऑफ बर्ड्स बीक्स आर द हार्ड पार्ट ऑफ अ बर्ड माउथ चिड़िया के माउथ का सबसे हार्ड पार्ट यदि कोई होता है तो वो है बीक्स मतलब उसकी चोच बीग्स हेल्प द बर्ड्स ईट देयर फूड इजिली बीक ऑल्सो हेल्प बर्ड टू डिफेंड दिम सेल्फ फ्राम फ्राम प्रिडिटर्स और अदर डेंजर एंड हेल्प दैम बिल्ड देयर नेस्ट देखो जो चिड़िया की चोचें कितने कामों में आती है पहला तो ये काम होता है उसका कि वो खाना आसानी से खा सकती है उससे ठीक है अपने खाने को दूसरा काम होता है कि अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती है प्रिडिटर्स से तीसरा काम होता है वो अपने घोंसले को खुद बनाती है बर्ड्स हैव वेरियस टाइप ऑफ बीक्स बर्ड्स की भी बहुत अलग अलग प्रकार की बीक्स होती हैं दैट हेल्प देम सर्वाइव इन देयर एवरी डे लाइफ जो कि उनकी रोज़मर्रा की जिंदगी में उनको सर्वाइव करने में हेल्प करती हैं इस टाइप ऑफ बर्ड हैज़ यूनिक टाइप ऑफ बीक दैट परफेक्टली शूट देयर वे ऑफ लिविंग बेस्ड ऑन द शेप एंड टाइप ऑफ पीक्स बर्ड्स कैंड ब्रॉडली क्लासिफाइड इंटू फॉलोइंग ग्रुप्स अब हम बर्ड की बिक्स के बारे में बहुत ब्रॉडली पढ़ने जा रहे हैं तो चलो हम उसको स्टार्ट करते हैं शीट ईटिंग बर्ड्स बर्ड्स दैट फीड मैनली ऑन शीट्स एंड ग्रेन्स आर ऑल्सो नोन है एज ग्रेनिवॉरस कुछ बर्ड्स होती हैं जो खाने में सिर्फ अनाज ही खाती हैं ठीक है ठीके? ऐसे बर्ड्स को हम ग्रेनीवॉरस कहते हैं दे ईट शीट्स ऑफ फ्लावर लाइक सनफ्लावर अब वो क्या क्या खाती हैं शीट्स में फूलों के जो शीट्स रहते हैं उसमें है सनफ्लावर के हो शीट्स हो गए शीट्स ऑफ ग्रास हो गया वेट्स हो गया एंड एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर ग्रेन लाइक व्हीट बार्ली इट मींस जो कॉर्न एंड राइस इस टाइप के शीट्स वो खाती हैं एग्रीकल्चर शीट्स भी खाती हैं दिस बर्ड्स हैव कौन शेप बीक दैट आर थिक एंड शॉर्ट इन स्ट्रक्चर उनकी जो बीक रहती है कौन शेप की रहती है थोड़ी सी हार्ड रहती है थिक रहती है छोटी सी रहती है दे आर सीन इन बर्ड लाइक स्पैरो ऐसी जो चोच है हमको किस चिड़िया में देखने को मिलती है तो वो स्पैरो फिंचेस एंड कार्डिनल्स दीज बीक्स आर यूजफुल फॉर क्रिकिंग शीट्स और इनकी जो बीक है वो शीट्स को क्रैक करने के काम भी आती है नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नट एंड फ्रूट्स फ्रूट ईटिंग बर्ड्स है ना अक्रोल और फलों को खाने वाली चिड़िया फ्रूट फ्रूट्स दैट आर ईटन बाई ह्यूमेन आर ऑल्सो न्यूट्रंस फॉर बर्ड्स जैसे कि हम लोगों के लिए जो फ्रूट्स हैं वो बहुत ही न्यूट्रंस देते न्यूट्रंस देते हैं वैसे ही बर्ड को भी देते हैं सम ऑफ़ द फ्रूट दैट आर इटन बाई बर्ड आर एप्पल अब देखो चिड़िया कौन कौन से फल खा रही है यहाँ पर एप्पल्स ऑरेंज चेरी प्लम ई टी सी द बर्ड्स दैट ईट फ्रूट्स आर अमेरिकन रॉबिन है ना ऐसी चिड़ियाँ जो फ्रूट खाती हैं वो कौन है अमेरिकन रॉबिन है ब्राउन थ्रेसर है हाउस रैन है स्कारलेट ट्रेंग टेगोर है समर टैनेगर है पैराकेट्स है इटी से ये सारी हमारी बर्ड्स हैं बीक्स दैट आर शॉर्ट उनकी बीक्स छोटी होती है एंड स्लिम स्लिम हेल्प बर्ड टू फीड ऑन फ्रूट शीट्स एंड प्लांट्स सम बर्ड्स विथ सच बीक्स आर ऑल्सो नोन टू कंज्यूम वॉम दीज बीक्स आर सीन इन पेजेंस देखो कुछ चिड़िया ऐसी रहती हैं जो ये सारे फ्रूट्स को खाती हैं जो शीट्स हैं उन्हें भी खाती हैं और जो प्लांट्स हैं उन्हें भी खाती हैं ठीक है ठीके? तो इनमें से कुछ बर्ड्स ऐसी रहती हैं उनकी चोंच जो रहती है वो कीड़ों को भी कंज्यूम करके रख लेती हैं ठीक है ठीके? तो ऐसे में हम अगर कुछ एग्जांपल लेते हैं तो हमको पिजन का एग्जांपल समझ में आता है दिस बीक्स आर सीन इन पिजन्स ऐसी चोच पिजन्स में देखने को मिलती है नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंसेक्ट ईटिंग बर्ड्स सम इंसेक्ट ईटिंग बर्ड्स इंक्लूड एकॉर्न बुड पैकर ब्लैक बिल्ड कुकू पैडीबर्ड सारस क्रेन मैना इटीसी इंसेक्ट इटिंग में ये सारी बर्ड्स के नाम आ जाते हैं थिन लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक्स उनकी जो बीक रहती है लंबी रहती है पॉइंटेड रहती है आर सीन इन वार्बल्स और ये जो वार्बल्स है ये भी एक चिड़िया ही है इसमें देखी जाती है ऐसी चोच दिस काइंड ऑफ बीक हेल्प बर्ड टू पिक अप दिक अप इंसेक्ट फ्रॉम ट्रिंक्स एंड लेप्स ऐसी चोच उनकी हेल्प करती है जो पत्तियाँ रहती हैं या फिर जो ट्वेंक्स रहते हैं उनमें कीड़े चिपके रहते हैं उनको वहाँ से उठाने में द चीज़ल लाइक बीक इज सीन इन द वुड पैकर और ये जो लंबी नुकीली जो चोच रहती है वो वुड पैकर के पास रहती है इट हेल्प देम टू ग्रो बोर होल्स इन टू द बार्क ऑफ ट्रीज एंड कैच इंसेक्ट और वुड पैकर की चोच रहती है वो पेड़ में एक पेड़ की छाल में होल भी कर सकती है इतनी मजबूत रहती है और फिर वहाँ से वो कीड़े पकड़ के खाने का, का काम करती हैं नेक्स्ट टॉपिक है आपका नेक्टर सकिंग बर्ड स्मॉल पॉर्चिंग बर्ड्स लाइक सन बर्ड एंड हमिंग बर्ड सर्वाइव मोस्टली ऑन नेक्टर फ्राम फ्लार आपको पता है कि ये जो दो चिड़िया हैं हमिंग बर्ड्स है और सन बर्ड हैं ये हमेशा फल फूलों का रस टूसने का ही काम करती हैं द थीन एंड ट्यूबलर बीक इनकी जो चोच रहती है लंबी रहती है और एक ट्यूब जैसी रहती है और ये हमको हमिंग बर्ड में देखने को मिलता है क्योंकि ये वाली चिड़िया हर कोई देखा है द बीक हेल्प द बर्ड टू प्रॉप एंड एक्सट्रैक्ट नेक्टर फ्रॉम द फ्लार उनकी जो चोच रहती है ना वो आसानी से फूल के अंदर घुस जाती है और वहाँ से नेक्टर को बाहर अपनी चोच में लाने का काम कर लेती है इट एक्ट इट एक्ट्स मोर लाइक अ स्ट्रॉ और अगर आप ज़्यादा देखेंगे तो बिल्कुल स्ट्रॉ जैसा काम करती है फिश ईटिंग बर्ड्स कौन सी चिड़िया है जो मछलियाँ खाती हैं इट्स वेरी ईजी बर्ड्स दैट मोस्टली ईट फिश आर द किंग फिशर किंग फिशर है वो एकदम कॉमन बर्ड है जो मछलियाँ खाती हैं और भी हैं जैसे कॉमन गर्ल हो गया या फिर पैलिकन हो गया दीज बर्ड आर सीन मेनली नियर सीज अब ऐसी चिड़िया आपको कहाँ देखने को मिलती है सीज लेक एंड पोंड के आसपास फ्लैट एंड वाइल्ड बीक उनकी जो फ्लैट चपटी और चौड़ी जो चोच रहती है हेल्प बर्ड्स टू स्ट्रेन वाटर फ्राम द साइड वाइल कंज्यूमिंग फूड जब भी अपना फूड कंज्यूम करती हैं तो इनकी जो चोच उनके लिए इतनी हेल्पफुल रहती है कि जब वो मछली पानी में से पकड़ती हैं तो मछली तो चोच में रह जाती है और जो पानी रहता है उनकी चोच के आसपास से नीचे गिर जाता है दिस बीक्स आर फाउंड इन बर्ड अब ऐसी बर्ड चपटी वाली किस में पाई जाती हैं। तो आपको ये याद करना चाहिए ये वाली चीज़ कि डक और गूस इनकी जो चोच रहती है वो ऐसी ही रहती है फ्लैट एंड वाइट लॉन्ग एंड ट्रैप्ड long and tapered. Beaks are found in birds like stork, जो लंबी और पतली जो बीक रहती है वो सारस के पास आपको देखने को मिलेगी दिस बीक हेल्प्स दैम टू कैच प्रे लाइक फ्रॉग और ये जो उनकी बीक है वो हेल्प करती है शिकार को पकड़ने में जैसे फ्रॉग हो गया इंसेक्ट हो गया या फिर अर्थफॉर्म हो गया या फेश या स्मॉल बर्ड्स है ना इन सब को द बीक ऑल्सो हेल्प्स दैम टू कम्युनिकेट और ये जो चोंच रहती है ना उनकी वो कम्युनिकेट करने में भी हेल्प करती है पैलिकन हैव द लॉन्गेस्ट बीक पैलिकन्स के बाद तो बहुत ही लंबी चोच रहती है आपने अधिकतर से चिड़ियाघर में देखा होगा बड़े कलरफुल लगते हैं ये भी और अच्छी चोच उसके नीचे थैली टाइप की रहती है कभी जाएंगे तो आप जरूर देखिएगा विच इज़ अबाउट हाफ अ मीटर इन लेंथ और दे मतलब आधा मीटर तक की वो लंबी रहती है एंड इट्स एंड इट हैज़ शार्प टूथ लाइक प्रोट्र इसके सिरे पर नुकीले दांत जैसा फैलाव रहता है फ्लैश ईटिंग बर्ड हम्म फ्लैश ईटिंग बर्ड्स आर ऑल्सो कॉल्ड बर्ड ऑफ प्रे और रैप्टो रेप्टो ना फ्लैश ईटिंग बर्ड को हम बर्ड ऑफ प्रे भी बोलते हैं दे दे टेक देयर प्रे बाय फोर्स दे ईट फिश अदर स्मॉलर बर्ड ठीक है ये फिश खाती हैं स्मॉल एनिमल लाइक रैट रैट हो गया हेयर्स हो गया इज़ इन सब चीज़ों को ये खाती हैं बर्ड्स ऑफ प्रे लाइक ईगल अब ये शिकार करती हैं कौन कौन सी चिड़िया ईगल हॉक फॉलकॉन्स एंड आउल्स हैव शार्प हुक शेप्ड बीक्स इनकी जो चोट रहती है वो हुक uh, के समान रहती हैं दिस बीक हेल्प देम कैच द देयर प्रे ये उनकी चोंच शिकार को पकड़ने का काम करती है टीयर फाड़ने का काम करती है कंज्यूम द फ्लेस ऑफ देयर प्रे ठीक है तो इनकी चोंच इतनी ज़्यादा मजबूत रहती है कि वो उसी चोंच से शिकार को पकड़ लेते हैं फाड़ लेते हैं चीर लेते हैं और खा भी लेते हैं ठीक है अब आता है फीट एंड क्लॉज क्लॉज आर द टोज ऑफ अ बर्ड दैट हेल्प इट टू क्लाइंब एंड सिट ऑन द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज एंड ऑन एनी अदर सरफेस अब ये जो क्लॉज हैं उनके जो पैर के पंजे हैं चिड़िया के वो उनको चढ़ने में भी मदद करते हैं ब्रांच पे बैठने पे भी मदद करते हैं जस्ट लाइक द बीक ऑफ बर्ड जैसे कि चिड़िया की चोच मदद करती है ना उसी प्रकार से उनके पैर और पंजे भी करते हैं द फीट इंड क्लॉज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स टू आर uh, डिफरेंट जिस प्रकार की चिड़िया की चोच अलग अलग होती है वैसे ही उनके पंजे भी अलग अलग होते हैं अब आपका टॉपिक आता है पर्चिंग बर्ड्स द क्लॉज ऑफ पर्चिंग बर्ड्स हैव थ्री टोर्स जो पर्चिंग बर्ड्स रहते हैं उनके पास थ्री टोर्स रहते हैं इन फ्रंट सामने की तरफ और एक होता है पीछे की तरफ ठीक है वन टोर्स एट द बैक दिस हैल्थ दैम टू हैव अ फ्रॉम ग्रेप ऑन द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज वेयर दे कैन पर्च और सेट है ना जो पीछे जो पकड़ के रखते हैं ना वो क्या है उनको हेल्प करते हैं ग्रिप बनाने में ब्रांच या पेड़ों की जो ब्रांचेस रहती है ना उस पर रहने के लिए मतलब उसको पकड़ के रखने के लिए बैठने के लिए ग्रिप बनाते हैं सब पर्चिंग बर्ड्स आर अब पर्चिंग बर्ड्स कौन कौन सी होती जैसे क्रॉ हो गया स्पैरो हो गई मॉकिंग बर्ड हो गया रैवन हो गया रैवन मीन्स कोई चमकीला कौवा ठीक है तो नॉर्मल आप कौए को ये चिड़िया को ये देखना कि जब वो किसी पेड़ पे बैठी है तो कौन से स्टाइल में बैठी है तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा उनके क्लॉज की शेप और किस टाइप से वो पकड़ के बैठी है अब आता है क्लाइंब क्लाइंबिंग बर्ड्स द क्लॉज ऑफ क्लाइंबिंग बर्ड्स आर शार्प एंड क है ना जो क्लाइंबिंग uh, बर्ड्स रहती हैं उनके जो क्लॉज रहते हैं शार्प रहते हैं और कर्व रहते हैं टू टोज आर पॉइंटेड टूअर्ड्स दो जो टोज रहते हैं वो आगे की तरफ रहते हैं द फ्रंट एंड द एंड अनदर पेयर ऑफ टोज इज पॉइंटेड एट द बैक और जो दूसरे टोज रहते हैं वो उसके पीछे की तरफ रहते हैं सच क्लॉज हेल्प द बर्ड टू क्लच ऐसे क्लॉज जो रहते हैं वो बर्ड को हेल्प करते हैं क्लच एट द बाग मतलब बाग को पकड़ने में एंड क्लाइंब वुड पैकर आर एक्सपर्ट क्लाइंबर्स इसीलिए एग्जाम्पल दिया गया है कि सबसे एक्सपर्ट कौन है चिड़िया में क्लाइंबर के लिए तो वुड पैकर्स ही है ठीक है अब आता है प्रीडेटर्स ऑफ बर्ड ऑफ प्रे बर्ड्स लाइक ईगल हॉक एंड वर्चर्स हैव टैलेंट मतलब नाखून या फिर उनका पंजा विच आर शार्प इन लोगों के पंजे और नाखून बहुत नुकीले रहते हैं कर्व भी रहते हैं सुटेबल टू कैच एंड क्रश देयर प्रे है ना अपने जो शिकार रहता है उसको अच्छे से पकड़ लेते हैं टाइटली और उसको क्या करते हैं क्रश भी कर लेते हैं द विक्टिम्स आर कैरीड अवे आफ्टर दे आर क्रश्ड उसके बाद उसको दूसरी जगह ले जाके वो लोग उसको खा भी लेते हैं ठीक है स्विमिंग बर्ड्स बर्ड्स दैट स्विम इन द वॉटर हैव वेब्ड फीट जो बर्ड्स पानी के अंदर तैरती हैं उनके जो फीट रहते हैं वो गद्दीदार रहते हैं वेब्ड रहते हैं विच आर यूज फॉर पैडलिंग थ्रू द वॉटर ठीक है जो उनको पानी के अंदर आसानी से पैडलिंग मतलब कि तैरने का काम कर देते हैं दैब द वैबिंग इज़ बिटवीन देयर टोस सो दैट दे कैन स्विम उनका जो टोस रहता है पंजा रहता है जालीदार रहता है उनके कभी आप देखेंगे तो बदख का ही देख लीजिए पूरे पंजे चिपके रहते हैं बीच में एक झिल्ली टाइप की रहती है दो उंगलियों के बीच में समझ जाओ तो ऐसे पैरों को वैप्ड फीट बोलते हैं वो आसानी से उसमें स्विम कर लेते हैं तो ऐसे कौन कौन से होते हैं बर्ड लाइक गर्ल्स डग्स एंड लूनस है फीट तो आप इन दो को तो नहीं देख सकते बट डग को आप आसानी से देख सकते हैं और इसमें आपको समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा तो मैंने आपको इस चैप्टर का पार्ट वन एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझा दिया है सेकेंड पार्ट जो मेरा बच्चा है रेस्ट ऑफ द चैप्टर एंड बुक वर्क आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट वीडियो सो टेक केयर स्टूडेंट बाय बाय थैंक यू सो मच